हाँ, तो ब्लू आयरन मैन एंड छोटे से रेड आयरन मैन, आज मैं देखने वाला हूँ तुम में से कौन अपनी हाइट को बहुत ज़्यादा टॉलेस्ट पे लेके जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हारी रेस लगेगी। जो भी रेस में फर्स्ट आया उसकी हाइट करोड़ों में बढ़ जाएगी। क्यों सर, सच में? अरे सर जी, फिर तो मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा। जो भी सबसे तेज भागेगा उसकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसकी हाइट इवन कम भी हो सकती है। ओह माय गॉड गाइस, यहां पे ब्लू आयरन मैन तो बहुत फास्ट है, जल्दी कम ऑन रेड आयरन मैन, तू कर सकता है। बिल्कुल सर, मैं पूरी स्पीड में भाग रहा हूँ। अरे अरे बाप रे, तू मुझसे आगे निकल गया। गाइस देखिए, उसकी हाइट बढ़ रही है और मैं तो छोटा ही हूँ। अबे रुक, बताता हूँ तेरे को, मैं ये लगाया बम। अरे तो चीटिंग है गाइस, कोई प्लीज वीडियो लाइक करो। ओह नो ब्लू आयरन मैन बच्चे, चीटिंग मत कर। अरे सर चुप रहो, अब आपको नहीं पता यहाँ पर चीटिंग करके जीता जाता है। नहीं गाइस देखिए, उसकी उसकी हाइट कैसे बढ़ रही है, वो टॉल हो गया, मैं छोटा रह गया। प्लीज गाइस वीडियो लाइक करो जल्दी मेरे लिए, और चैनल सब्सक्राइब, यहाँ पर उसने चीटिंग की। ओह नो, वो फिनिश लाइन पर पहुंचते पहुंचते इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो गया, देखिए वो कितनी स्पीड में भाग रहा है, और वो 2 करोड़ हाइट का हो चुका है, वो दुनिया का सबसे ही टॉलेस्ट आयरन मैन बन चुका है। अरे वाह, अब मेरे को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। टोनी सर, अब मेरी आपसे एक शर्त है। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? आप इस छोटे से बच्चे को मार के बाहर निकालो, क्योंकि मैं आपका फेवरेट आयरन मैन हूँ। अरे बच्चे ठीक है, ये ले दे तो रेड आयरन मैन, तूने मेरी नाक कटा दी, निकल यहाँ से, ये ले। अरे नहीं सर, आप भी धोखेबाज निकले, अगर तेरी हाइट बढ़ गई तो जरूर मैं तुझे वापस स्टॉक मंजर में रखूंगा। ओह नो गाइस, बुरे समय में सब साथ छोड़ देते हैं, आप प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना, प्लीज वीडियो लाइक कर दो अब तो, चैनल सब्सक्राइब। मैं कसम खाता हूँ, मैं दुनिया का सबसे टॉलेस्ट आयरन मैन बन के रहूंगा। अरे बच्चा जल्दी से टॉलेस्ट आयरन मैन बन जा। हेलो, बिल्कुल सर जी, मैं यहाँ पे पूरी स्पीड में भागूंगा। बहुत बढ़िया बच्चा, तेरा हाइट यहाँ पे मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा कराऊंगा। गाइस ये डॉक्टर मिक्सिट क्या कर रहे हैं, एक व्हाइट आयरन मैन को भगा रहे हैं। ओह माय गॉड, इस व्हाइट आयरन मैन की हाइट देखिए पहले से कितनी बड़ी होगी। इतना नहीं गाइस, ये तो स्पीड में भाग भी पा रहा है। हेलो चल जी, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन फिर भी भागता लाऊंगा। अरे वाह बच्चा, तू तो पूरे 2 करोड़ साइज का हो गया और 2 करोड़ हाइट का हो गया, तू तो टॉलेस्ट व्हाइट आयरन मैन बन चुका है। अरे छुकलिया चल जी, मेरे को टोनी सर के सारे आयरन मैन के सूट की हाइटों को पीछे छोड़ना है। अरे सर, मुझे भी खुद की हाइट बढ़ानी है, प्लीज मुझे भी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे टोनी सर ने पीट के भगा दिया, क्योंकि उनका फेवरेट ब्लू आयरन मैन जो बन गया, जो कि चीटिंग की थी उसने मुझसे। और बच्चे उसके लिए वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करा दे, साथ साथ में कमेंट में एटी गेमर ओपी लिखवा दे। गाइस प्लीज जल्दी से कमेंट में एटी गेमर ओपी लिख दीजिए, फिर डॉक्टर मिक्सिट मुझे ज्वाइन कर देंगे अपनी टीम में, उसके बाद मैं खुद की हाइट बढ़ाऊंगा। बिल्कुल सही कहा बच्चे, अभी ना तेरे को मेरे साथ चलनी होगी, ये वाला ट्रेडमिल अब यूज हो चुका है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब मैं तेरे को नया ट्रेडमिल दिलाता हूँ, जिससे कि तेरी हाइट करोड़ों में बढ़ जाएगी। हाँ तो बच्चा लोग आज हमारे साथ मौजूद है, मैंने सुना है तुम सभी को अपनी हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के लिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर रेस लगेगी, जो भी रेस में नंबर 1 आएगा बहुत तेजी से भागेगा, और इस खतरनाक तरीके के जिनको कहते हैं आइस गॉड हल्क, इन सभी से बच जाएगा। क्या, इनसे कैसे बचेंगे, तो बहुत खतरनाक है। यही तो चैलेंज है, तुम्हें रेस करते करते एक दूसरे से आगे रहते रहते इन खतरनाक खतरों से ही बचनी होगी। फिर उसके बाद तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे बच्चों लोग, तुम्हें मिलेगा एक आगे चेक पॉइंट, चेक पॉइंट तक भी पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ पे खतरनाक बिजली का बहुत खतरनाक रास्ता पार करना होगा। बिजली से भरा रास्ता, ओह माय गॉड। और ये रहा तुम्हारा चेक पॉइंट, जैसे इसके अंदर जाओगे तुम्हारी हाइट कम से कम 50-60 हजार हाइट बढ़ जाएगी। क्या 50-60 हजार बढ़ जाएगी? अरे बिल्कुल बच्चा, तू तो तुतला भी गया, लेकिन कोई बात नहीं है बच्चा। यहाँ पर उसके बाद तुम्हें अपनी हाइट को और बढ़ाने के लिए इन खतरनाक बॉम्ब का रास्ता बनाना होगा, और रेस में नंबर 1 रहना होगा। रेस में अगर पीछे रहे तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए ध्यान रखना, जो भी नंबर 1 रहेगा भागते 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 उसकी हाइट यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर इतनी घटनाएं का सामना करते हुए कौन नंबर 1 आएगा गाइस, मैं तो ये सोच रहा हूँ। उसके लिए बच्चा तुम्हें अपनी हाइट बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा ऊंचाई पे और भी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़नी होगी। माना गया है इन सभी कठिनाइयों को पार करता हुआ जो भी फिनिश लाइन तक पहुंच गया तो उसकी हाइट यहाँ पर करोड़ों साल में भी टॉलेस्ट बढ़ सकती है, और वो दुनिया का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट आयरन मैन बन सकता है। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए बच्चा लोग, बहुत मजा आएगा। गाइस सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरा पीछा कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत खतरनाक, ये बहुत खतरनाक हूँ मैं, ये पीछे रह गया बेटा। मैं सबसे टॉलेस्ट मैन बन के रहूंगा, मैं उस मार्क 1 आयरन मैन को पीछे छोड़ दूंगा। गाइस ये सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, इसलिए गाइस एक काम करता हूँ, मैं भी इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये क्या, मैं जंप नहीं लगा पा रहा। ओह नो गाइस, लगता है आपने वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज अब तो कर दो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब। गाइस मैं स्पाइक पर चढ़ के जा रहा हूँ, मैं जंप नहीं लगा सकता तो क्या? अरे नहीं गाइस, मैं पाइप पे भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ। गाइस अगर आपने वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब किया है तो कमेंट में यस लिख दो प्लीज एक बार। अरे वाह,
गाइस देखिए यहाँ पर काम कर गया, मुझे फिर से जो है ओ माय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था मैं इतनी लंबी लंबी जंप्स लगा पाऊंगा। सोचिए गाइस मैं इतने, अरे बाप रे तुम मुझे मार के रहे हो, चल यहाँ से बच्चे तू गरीब है। हाँ बिल्कुल, टोनी सर ने भी इसको भगाया है, मारो इसको, ये कहीं नहीं रहेगा, इसकी हाइट नहीं बढ़ने देंगे, इसको टॉलेस्ट नहीं बनने देंगे। चला गया, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, ए हटो हाइट स्कॉर मैं जाने दो। अच्छा हमें चुनौती देगा, गाइस यहाँ पर ना मार्क पूरी तरह से जमा दिया। अबे चुप कर, हट यहाँ से, मैं आगे जाऊंगा, मैं खुद की हाइट बढ़ाऊंगा। अच्छा हुआ वो मार्क पर यहाँ पे जम चुका है, अब एक काम करता हूँ और आगे जाता हूँ। गाइस मुझे तो ये पीट लिया, अरे बाप रे यहाँ पर देखनी पूरी तरह से चल रहा है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं खुद की हाइट कैसे बढ़ाऊँ। गाइस अब मेरा नंबर है, मैं भी तेजी जाता हूँ। गाइस मैं भी इसमें चलना चाहूँ, ओ माई गॉड गाइस काश मैं इसकी मदद कर पाता, लेकिन बेचारा जल रहा है। यहाँ पर तो मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है। खैर कोई नहीं भाई, मुझे माफ करना गाइस, ये बिजली से भरा रास्ता है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, बस ये बिजली मुझे पकड़ ना ले। ये अरे अरे वाह गाइस हमें चेक पॉइंट मिलने वाला है, क्या बात है, अब तो जरूर मेरी हाइट बढ़ेगी। कम ऑन कम ऑन, गाइस मेरा हाइट मीटर देखिए, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है इसमें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसका। गाइस मतलब यही है ना कि मैं 5000 हाइट का, अरे वाह गाइस टोनी सर तो लिटरली में शॉक हो जाएंगे मुझे देख के। गाइस हम टोनी सर को इंप्रेस करेंगे अपनी हाइट बढ़ाकर, उस दुश्मन ब्लू आयमन को भी पीटेंगे क्योंकि उसने ना हमारी चीटिंग में की थी। अरे फाड़ दिया बॉम्ब्स ने, बचा, अरे मुझसे उठा नहीं जा रहा। अच्छा ही हुआ मैं भी चेक पॉइंट ले लेता हूँ। गाइस नो 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 नो, मेरा कंपेटिटर भी यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। वाह 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 वाह, मेरी हाइट भी बढ़ रही है, मैं भी बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरी हाइट बढ़ाने से। अरे वाह क्या ही कमाल तरीके से मेरी हाइट बढ़ रही है। ओह नो गाइस देखिए उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ना शुरू, अरे भाई ये भी 5000 हाइट तक पहुंच चुका है। गाइस बॉम्ब्स में शायद ये बेहोश हो जाए, फट जाए। अरे नहीं, तेरी तरह मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं नहीं फटा बॉम्ब से, तू तो पागल है, मैंने बॉम्ब से बचने का मोड ऑन कर रखा है। ओह नो गाइस इसके आयरनमैन के सूट में तो पावर्स भी है, अब जल्दी आगे जाता हूँ। अरे नहीं आगे तो काट है, मैंने मोड ऑन करना भूल गया रे, बहुत जोर से लग गई। कोई बात नहीं है, ये काम करता हूँ, इसको मार देता हूँ। नहीं गाइस इसने तो मेरे खतरनाक रैंप को ही तोड़ दिया जिससे कि मैं नीचे गिर जाऊं। हार गया बेकार कहीं का, अब एक काम करता हूँ जल्दी आगे बढ़ता हूँ और इसको मार दूं। नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे गाइस तू तो शुक्र है मैं बॉम्ब पे खड़ा हो गया था, तू वापस नहीं आ सकता। मैं काम करता हूँ जल्दी कंटेनर वाली साइड पर जाता हूँ। अरे गाइस बहुत हो गया, ये लगाई जब चाहिए, कम ऑन कम ऑन, फाइनली हमने गाइस काटो वाले एरिया में जंप लगा दी, लेकिन गाइस वो मेरा दुश्मन ना आगे, मुझे यहाँ से जंप लगा के टॉप पे। अरे बाप रे गाइस एक मिनट, वो रेड एंड ब्लू आयमन कहाँ गया? गाइस कहाँ पर गया? जब भी मैं उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे ब्लू आयमन मेरे दुश्मन की याद आती है, इसलिए गाइस मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे टॉलेस्ट रेड आयमन बनना है। अरे बाप रे आगे तो बहुत ही खतरनाक घटना है, लेकिन मैं यहाँ पर जीत के रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। गाइस रेड एंड ब्लू आयमन एंड में पहुंचने वाला है। अरे वो गाइस ये नीचे गिर गया, नहीं अरे कोई बचाओ गाइस, याहू यहाँ पर हमारे कंपेटिटर तो नीचे गिर चुके हैं, लेकिन अब मेरा नंबर है, मुझे यहाँ पर अपनी हाइट को 2 करोड़ तक ले जाना है, मुझे टॉलेस्ट बनना है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से जब लगे 1 2 ये नहीं 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 गाइस मुझे लगा था 1 सेकंड के लिए मैं गिरने वाला हूँ, लेकिन मैं बच गया, हम फिनिश लाइन पे पहुंच गए। गाइस मुझे भी नहीं पता सामने जो ट्रेडमिल है उस पर भागकर मेरी कितनी हाइट बढ़ेगी, लेकिन गाइस भागो 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 भागो, गाइस हमारा हाइट मीटर यहाँ पे बढ़ रहा है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, भागो 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 पूरी स्पीड में भागो। गाइस हम कितने बड़े नजर आ रहे हैं। गाइस अब समय आ गया यहाँ पर अपनी हाइट को 2 करोड़ तक ले जाने का, फिलहाल तो मैं 65,000 हाइट्स का हो चुका हूँ, तो मैं इतना लंबा नजर आ रहा हूँ। गाइस सोचिए जब मैं 2 करोड़ तक पहुंचाऊंगा तो मैं कितना टॉल हो जाऊंगा। जल्दी काम करते हैं, मिक्सर मिक्सर के साथ चलते हैं, डॉक्टर मिक्सर डॉक्टर मिक्सर देखिए मेरी स्पीड को, गाइस मैं कितना फास्ट भाग पा रहा हूँ। अरे वाह बच्चा तू तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन बच्चा अगर तुझे अपनी हाइट को और बढ़ाना है तो उसके लिए तुझे और भी खतरनाक तरीके की रेसेस लगानी होगी। क्या मैं और भी रेस करके जीत सकता हूँ? बिल्कुल बच्चा, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, इसलिए सोच ले। सर मैंने सोच लिया, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है बच्चा मेरा पीछा आ जा, मैं तुझसे आज एक और खतरनाक हाइट वाली रेस लगवाने वाला हूँ। ओह माय गॉड गाइस यहाँ पर यहाँ तो खतरनाक ब्लैक एंड गोल्ड डायमंड है, ये आइस का डायमंड है, और मैं हूँ एकदम जायंट टॉलेस्ट रेड डायमंड। अबे हम तेरे को हरा देंगे, बिल्कुल हम इसको हरा देंगे। और अब अच्छा लोग लड़ाई नहीं करते, मेरी बात सुनो, अगर तुम सभी को अपनी हाइट को एकदम टॉलेस्ट आयरन मैन में बदलना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत खतरनाक टास्क करनी होगी। गाइस ये तो सामने स्पाइट टॉलेस्ट डायमंड है, अच्छा लोग इसने ना अपने ही उस्ताद को अपना गुलाम बना लिया है, इसने उसको कैद कर लिया है जिससे कि वो इसके लिए एक ऐसा ट्रेडमिल बनाए जिसकी उम्मीद में ये अपनी हाइट को 5 से 10 करोड़ साल कर पाए, इसलिए आप सभी को आज टोनी स्टार्क को बचानी होगी और उसके ट्रेडमिल को भी। अगर तुमने ऐसा किया तो
टोनी स्टार्क तुम्हारे लिए ऐसा स्पेशल ट्रेडमिल डिजाइन करेगा जिससे तुम्हारी ये हाइट उस व्हाइट आयरन मैन से भी ज्यादा हो जाएगी। अरे सर जी मैं समझ गया, फिर तो मैं पहले जाता हूँ। गाइस यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड गोल्ड आयरन मैन कितनी स्पीड में उड़ के जा रहा है। गाइस यहाँ पर मैं भी इस बार उड़ के जाऊंगा। अबे चुप कर, ये ले मैं जाल को तोड़ दूंगा। हे कौन है इधर, कौन मेरे जाल को तोड़ रहा है, कौन मेरे मालिक को बचाना चाहता है? अरे प्लीज कोई बचाओ मुझे, ये व्हाइट आयरन मैन ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। अरे सर जी मैं आपको बचा लूंगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर गाइस देखिए ब्लैक एंड गोल्ड आयरन मैन ने व्हाइट जायंट टॉलेस्ट आयरन मैन को पीट दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सर जी रुकिए मैं आपको बाहर निकालता हूँ। अच्छा तुझे बताता हूँ, मैं अभी खाता हूँ तुझे, ये ले। ओ माय गॉड गाइस ये टॉलेस्ट व्हाइट आयरन मैन कोई नॉर्मल आयरन मैन नहीं है, देखिए इसने ब्लैक एंड गोल्ड आयरन मैन का क्या हाल किया। ऑब्वियसली इसकी हाइट इतनी ज्यादा है ये तो होना ही है। अब गाइस यहाँ पर ये है खतरनाक आइस गॉड आयरन मैन। मैं तो जीत कर ही रहूंगा, मैं बहुत ही खतरनाक आइस गॉड आयरन मैन हूँ, मैं यहाँ पर इस व्हाइट टॉलेस्ट आयरन मैन को ऐसे हरा दूंगा। गाइस यहाँ पर देखिए आइस गॉड आयरन मैन तो एकदम चुपके से जा रहा है जिससे कि टोनी सर को बचा ले और ट्रेडमिल को भी। अरे मैं बचाने नहीं जा रहा, पहले इस व्हाइट आयरन मैन को फाड़ूंगा। एक मिनट, अरे ये क्या, किसने बम फाड़े? ओ माय गॉड गाइस ऐसा करके तो उसने बेवकूफ कर दी। अब ये व्हाइट टॉलेस्ट आयरन मैन इसको छोड़ने नहीं वाला, तुझे मार दूंगा, मैं बहुत खतरनाक हूँ। अरे भाई यहाँ पर गाइस यहाँ पर आइस गॉड आयरन मैन भी पूरी तरह से पिटा। अरे नहीं कितनी बुरी तरह से मारा, मेरे को कुछ और काम करनी पड़ेगी। एक मिनट, अरे ये कौन है? आओ आओ बस आओ, ट्रेडमिल का इस्तेमाल करो, अपनी हाइट बढ़ाओ, हाइट ऐसी बात है क्या, फिर तुम अपनी हाइट बढ़ाता हूँ। गाइस नहीं नहीं मुझे ट्रैप लग रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चुप कर, तुझे क्या पता गरीब। ओहा उल्लू बनाई गया। ओ माय गॉड गाइस ये तो बहुत बुरा लग रहा है, और इसने आइस को डायमंड को क्या ही पीटा। ओ माय गॉड गाइस मैं तो गलती से भी ऐसा नहीं करूं, मैं तो बहुत ध्यान से आगे जाऊंगा और मुझे यहां पर इस जायंट व्हाइट डायमंड को सबसे पहले पीटना होगा। हे मेरे टोनी सर को वापस कर। अरे वाह बच्चे तू मुझे बचाने आ गया, शुक्रिया। बिल्कुल टोनी सर मैं आपके इस जाल को तोड़ दूंगा और आपको बचा लूंगा। हे ये क्या कर रहा है, वो मेरे गुलाम है, वो मेरे मालिक नहीं है, और तू भी मेरा गुलाम बनेगा, ये ले। अरे बाप रे मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझसे ज्यादा हाइट का बन के रहूंगा। मैं यहाँ पर किसी का भी गुलाम नहीं बनूंगा, सबको अपना गुलाम बनाऊंगा। देखा गाइस मिस्टर मिक्सिट ने इस पर इतना एहसान किया टोनी सर ने भी, और इसने उन दोनों को ही धोखा देके अपनी साइज बढ़ाने के लिए हमारे टोनी सर को ही बहुत ही बुरी तरह से काम पे लगा रहा है। बहुत हो गया गाइस मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, प्लीज आप कमेंट में एक बार मेरे लिए कमेंट में जल्दी से आयरन मैन ओपी लिखो प्लीज, उससे ना मेरे अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर आएगी कि मैं इस खतरनाक व्हाइट आयरन मैन को पीट के रहूंगा, और खुद का हाइट बढ़ाने के लिए ना टोनी सर को इंक्रीज करूंगा जिससे कि वो मेरे लिए ट्रेडमिल बनाए। तो गाइस चलो अब जल्दी चलते हैं और जाकर इस व्हाइट आयरन मैन को पीटते हैं। व्हाइट आयरन मैन तू बचेगा नहीं, तू फिर से आ गया, अब तो मुझे तुझे खत्म करना पड़ेगा, ये ले। अरे ये क्या हुआ तेरे साथ एक साथ, ये ले दे दो। गाइस हमने इसको क्या ही पीटा, नहीं छोड़ मुझे। गाइस हमने देखिए व्हाइट जायंट आयरन मैन को पीटना स्टार्ट कर दिया है, मेरे हिसाब से मैंने इसको पीट दिया। टोनी सर आप ठीक है? बिल्कुल मेरे बच्चे तूने मुझे यहाँ पे बचा लिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर एक ऐसा आयरन मैन भी होगा जो मुझे गुलाम बना लेगा। खैर कोई नहीं, अब ये ट्रेडमिल रेडी होने वाला है, इस ट्रेडमिल के इस्तेमाल से तो खुद की हाइट को 2 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ा लेगा और दुनिया का सबसे टॉलेस्ट रेड आयरन मैन बन जाएगा। तो बिल्कुल समझ गया मैं सर। तो ठीक है बच्चे तेरा ट्रेडमिल रेडी है, मैंने बढ़िया तरीके से पॉलिश मार के इसको तैयार कर दिया है, अब जल्दी से पूरी जान लगाकर भाग, अपनी स्पीड को करोड़ों में बढ़ा ले और साथ साथ में हाइट को भी करोड़ों बना ले। बिल्कुल सर समझ गया, भागो 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 भागो। गाइस मेरी स्पीड देखिए आप लोग, ये तो कुछ भी नहीं है ना, अभी जब मैं जैसी जायंट हो जाऊंगा ना, मैं जायंट टॉलेस्ट रेड आयरन बनूंगा तो मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी। जाओ भागो भागो भागो। गाइस देखिए मेरी स्पीड को क्या ही कमाल की हो गई है, गाइस क्या ही खतरनाक तरीके से मैं भाग रहा हूं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट बार लिखिए, और बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।